नमः शुद्धेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की समस्त आचार्य संघ की जिनका हमने नाम ही नहीं सुना था जो यहाँ आने से ज्ञात हुआ वैसे नांदगांव कुंभोद वायुवली के पास भी एक नांदगांव है उसका अपना इतिहास है। एक राज नांदगांव है छत्तीसगढ़ में उसका अपना इतिहास है। यहाँ का भी एक नांदगांव है हमारी दृष्टि में हमारे विचार में यह पहला हमने देखा तो वहाँ पर एक पहुली मंदिर कहलाता है तो उसका इसका दोनों को देखने से लगभग साम्य है बल्कि प्राचीनता इसमें ज़्यादा लगती है। वहाँ के मूर्तियों की अपेक्षा से सांगोपांग जीर्णोद्धार किए हुए यहाँ पर देखा तो यहाँ कैसे रह गया क्यों रह गया पता नहीं लगता क्योंकि ये परिवर्तन का नाम ही तो संसार है। यहाँ रहते रहते यहाँ के लोग चले गए यहाँ पर कोई नहीं है तो वहाँ अपने खोज करते हुए जैसे विदेशी लोग खोज करते हैं ना वैसे ही मारवाड़ी लोग यहाँ पर खोज करते हुए आए और यहाँ पर बस गए यही का उनका जीवन बन गया। अर्थ पुरुषार्थ तो था लेकिन उसके साथ साथ परमार्थ भी उन्हें हाथ लग गया। ऐसी प्राचीन प्रतिमाओं का दर्शन प्रतिजन करने का भी अपना पुण्य अपना अक्षय है इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ कहीं भी क्षेत्र मिलते हैं उसमें प्राचीनता यहाँ पर लगती है। कोई भी यहाँ पर संगमरमर का काम नहीं दिखा न ही लकड़ी का काम हुआ न ही ईंटों का काम हुआ ये केवल कि काले पाषाण जो कि यह एक प्रकार से हजारों वर्ष के लिए इमारत है इसका वैसे ही मूर्तियों की अपेक्षा से बहुत ही सुरक्षा की आवश्यकता है किंतु यहाँ पर जनता भी बहुत कम है। आवागमन की व्यवस्था यदि हो जाती है तो अवश्य ही तीर्थ यात्रा करने वालों की निगाह भी यहाँ पर हो करके यहाँ से जैसे सिरठ शाहपुर हो गया वहाँ जंतूर हो गया और कौन सा नाम गांव परवन की बात नवागढ़ नवागढ़ वहाँ की जनता आई थी नवागढ़ है कचनेर है वैसे ये तीर्थ क्षेत्रों के जो रास्ते हैं बिखरे हुए हैं इनके लिए परिचय में दिया जाए। जैसे वहाँ पर देवगढ़ है और सिरोन कला है आहार जी है बपुरा जी है देवगढ़ जी है बदा जी है ये सारे सर बहुत सारे खजुराहो जी है इसी प्रकार सुभोन जी है चंदेरी जी है तो यह यात्रा के स्थल आप लोग अवश्य ही गवर्नमेंट से सरकार के सामने रख करके इनके रास्ता बनाने का यदि करेंगे तो इसको प्रतिदिन लोग आना जाना हो जाएगा तो इसका जीर्णोद्धार तो
जैन समाज को क्या अपने पास कम नहीं है, थोड़े से भीतर से निकालने की बात है। क्या निकालना तो आप ही जानो। मोह को थोड़ा सा कम कर दे तो अपने आप ही बाहर आ जाएगा और ये जीर्णोद्धार बहुत सर्वांगीण हो सकता है। आप लोगों के दिमाग में ये बात आ जाए, जैसे सिरपुर के लिए कर रहे हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ, यह सच्चे देवगुरु शास्त्र का जो पुरातत्व है, यह अपने आप में सौभाग्य से प्राप्त होता है। महान पुण्य का उदय होता है तो इस प्रकार मूर्तियों का, क्षेत्रों का, जनताओं का भी समागम आप लोगों को मिल सकता है, मिलता है। जब जनता एक दूसरे से मिल जाती है, उनका अर्थ व्यवसाय तो चलता ही है लेकिन परमार्थ भी हो जाता है। अपनी विवाह पद्धति जो आदि हैं वो इसी के ऊपर तो टिके हुए हैं इनका, ताकि अगले जीवन में आने वाली युग को इसका लाभ पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। आखिर तो षष्ठम काल और पंचम काल का अवसान तो होना ही है, उनका आना ही है, लेकिन उसके साथ साथ उस प्रकार के योग्य पुण्य का अर्जन करके हमें जो पूर्वजों ने बनाया है यह सभी पूछा जाए। इन पुरातत्व को आप अपने प्रतिदिन पूजन, अभिषेक, दर्शन आदि आदि करने से इसका जीवन आगे तक बढ़ जाता है। नहीं तो धूल दूषित हो करके वह किसी काम के नहीं रह पाएंगे। आप लोग अपने जीवन को बनाने के लिए जैसे आवासीय व्यवस्था होती है, यहाँ पर तो 1000 वर्ष के लिए आवासीय व्यवस्था है, किंतु भगवान है तो भक्त होता है। भगवान तो चाहते नहीं कि हमारी पूजा करो, हमारे दर्शन करो, हमारी स्तुति करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं। किंतु हमें आगे भी रहना है, धर्म का लाभ लेना है। यहाँ की जनता सज्जनों से, श्रावकों से बात हुई, बहुत अच्छा लगा है, लेकिन इसकी संख्या की भी बड़ी आवश्यकता है। अवश्य इसमें आप लोगों को सफलता मिल सकती है। अहिंसा परमो धर्म की सुना था हमने। यहाँ के नगर तो नहीं, नगर उपनगर जिसको बोलना चाहिए, अनेक व्यक्ति छोटे छोटे गांवों से आकर के बसे हैं। खेती बाड़ी है, भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी, यहाँ का व्यापार भी सात्विक, यहाँ का खेती बाड़ी तो सात्विक है ही। भावों की सात्विकता के बारे में भी यहाँ पर परिचय मिला। एक ग्राम का कोई भी एक वासी पूरे नगर को, उपनगर को यहाँ पर प्रतिदिन प्रीति भोज जिसको बोलते प्रीति भोज, वात्सल्य का प्रतीक है। और वात्सल्य सम्यक दर्शन का एक गुण है। नैरो कर्म का अर्थ ये नहीं है, अनंत अनंत जय श्री राम, जय श्री राम,
इतना नहीं है, इतना सस्ता हो जाता सभी लोग राम बन जाते, सभी लोग महावीर बन जाते, ऐसा नहीं है। यह प्रायोगिक धर्म है, कर्म भी सात्विक, धर्म भी सात्विक और आत्मगुणों के भक्ति के प्रति भी निष्ठा भी सात्विक है। इस गांव इस क्या क्या कहे, यही है। अब गाड़ी रुकती है, गाड़ी चलती चलती रुकती भी है, ये रास्ता के ऊपर ही बसा हुआ है। और गाड़ी में पेट्रोल तो डालना पड़ता है, तो हमारी गाड़ी यहाँ पर पेट्रोल डाल करके एक मुकाम करके दिग्रस, हमें भूल थी दिग्रज उधर पुसर की ओर बाबी दिग्रज, तो ये दिग्रज पुसर की ओर उस ओर है, वो भी 20 किलोमीटर और उधर। नहीं महाराज, यह करहार दिग्रज ये अलग अलग विशेषण के साथ दिग्रज यहाँ पर प्रचलन है। बहुत अच्छा, इसी प्रकार आप लोग प्रतिदिन जो प्रीति भोज का परंपरा रखी है बहुत सात्विक है। वात्सल्य के साथ रहने से शरीर अपने आप ही स्वस्थ हो ही जाता है और मानसिकता भी, दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना मान को धक्का लगाना है। आप मान को धक्का लगाना चाहते हो? नहीं चाहते, मान को धक्का नहीं लगाना चाहते। हाँ, वो मान सम्मान देना, मान का हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मान कर्म जो है उसको तो खपाना चाहते हैं। क्रोध मान माया लोभ है। हाँ, तो इस प्रकार प्रीति रखने से मान आ ही नहीं सकता, विरुद्धता रखने से मान आ ही नहीं सकता। यह मुलायम का नाम है। मुलायम का अर्थ कठोर नहीं, मुलायम तो मान बहुत कठोर रहता है, इसलिए आचार्यों ने इसको अस्थि का तो हड्डी के समान कठोर बताया है। सब कुछ ईंधन जलाने के उपरांत भी वह जलती नहीं, तीसरे दिन जा करके उसको भीन भीन करके बिना, और क्या दोबारा तो दाह संस्कार होता नहीं, और फलाना फलान चंद को सरा देते पानी में गंगा या सुबह। तो यह वात्सल्य का है, इतने कठोर होते हैं भाव, ऐसे भाव के द्वारा बंद होता है। आपने मार्ग बहुत अच्छा चुना है, महावीर परंपरा, अहिंसा परंपरा मुख्य रूप से। लोगों को वहम होता है, संदेह होता है, ये लोग अपने ही अपने धर्म को बढ़ाना चाहिए। धर्म तो एक ही है भैया, भारत में अहिंसा परमो धर्म।
इतना पर्याप्त है, मुकाम भी हो गया। अच्छा है, इंसान परमो धर्म की ये सब क्या देखने को मिल रहा है? कहीं स्वप्न में है क्या? समूर दिसत आहे काय मना चाहिए झेला? आप वृद्ध सभी लोग एक ही चाल में, एक ही रंग में, एक ही प्रसन्नता में डूबे हुए नजर आते। कई दिनों की ये बात उनके मन में थी, बार बार अभिव्यक्त होती थी, किंतु सुनता रहता था इन लोगों का। जब पुण्य भारी होगा तो भारी भी काम हल्का ही हो जाएगा। सिरपुर का निमित्त बना, हमने सोचा उनको भी समय लगने वाला है। जो जो नगर उपनगर जिला प्लेस जैसे भी दो दो दिन क्योंकि हमारी भी वंदना की प्यास थी। समाज ने जहाँ भी गए वहाँ पर अपनी व्यक्ति अभिव्यक्ति कराई। यह सारे पूर्व में किए हुए सुकृत पुण्य का ही फल होता है। अब अपने को ऐसा भी पुण्य बांधना है जिसके द्वारा हमारे सारे कर्म कट जाए, सबके कर्म कट जाए, सबकी यह माया लोभ के कारण भटकाव है सब दूर हो जाए, ऐसी भावना सबको करना है। आप लोग अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार ये सारे कार्य कर रहे हैं। सारे क्षेत्रों को देखने से इसमें कम से कम भी 15-16 ऐसी महानगर जिला और तालुक वगैरह भी सम्मिलित तो है। उन सबको हमने देख लिया, 2-3 स्थानों पर उसमें शामिल हो करके पूर्व संस्कार और 1,000-1,500 बच्चों को संस्कार होने का सौभाग्य मिला। इससे ये लगता है कि यहाँ की भूख काफी तेज है। भगवान से प्रार्थना करो वो भी समय पर सब हो जाए। ये ऐसा चौकला है आप लोगों का स्थान, चारों तरफ अर्थ क्षेत्र पार्श्वनाथ, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का ऐसा घिरा हुआ है। इसको तो अतीत काल में था, उसको पुनः देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। ऐसा आप लोग पुण्य करो, आप लोग
अपने भाव को बढ़ाते जाओ, इसमें कोई पैसा लगता ही नहीं। अभी इतना ही पर्याप्त समझता हूँ, समय अब घड़ी भी कभी कभी आप लोगों के साथ दे देती है, ज्यादा आगे भी हूँ वो पीछे रह रही है, पता नहीं लगता, उससे आप लोगों को लाभ मिल जाता है। बीच में व्यवधान होने से संकाना समय पर नहीं हुआ, समय पर ही होता है, यह हमारा विकल्प है, नहीं तो यहाँ पर भी वहाँ पर था योग सागर जी को, उस समय वो महामारी का वातावरण सर्वत्र छा गया था, इसको देख करके संकेत दिया था, होना तो भाटकुली या और स्थान पर, लेकिन वहाँ न हो करके हिंगोली में हो गया, और उससे भी काफी प्रभावना हुई है। अहिंसा परमो धर्म की जब गाड़ियों से नहीं अपनी गाड़ी से जब चलते हम तो बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को सुनने को मिल जाती, जो आप लोग उससे वंचित रह जाते, और डर भी रहता एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा, समय पर हम नहीं पहुँचे तो क्या होगा आदि। उनमें से हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, सामने से भी एक गाड़ी आ रही थी, पीछे से भी एक गाड़ी आ, दोनों ने ध्वनि दे दी, हॉर्न जिसको बोलते। अब दोनों की ध्वनि तो सुनने आ गई, लेकिन मैं किसी ध्वनि दूं, सामने वाला ही व्यक्ति का केवल दिख रहा है, पीछे वाला नहीं, लेकिन वह व्यक्ति भी है जिनकी आवाज यहाँ तक कानों तक आ गई, इसलिए पीछे वालों का भी रक्षा होना अनिवार्य है, सामने वालों के भी, और मेरे तो दोनों के बीच में क्या होगा, सही सलामत वो ठीक हो गए। जब गाड़ियां अपने अपने में चली गई तो उसने एक बोर्ड पर या वैसे ही लिखा हुआ था, आप सुन रहे हैं, सुन रहे हाउ भी नहीं कह रहे लोग, हो मराठी बंदे हाउ को हो बोलते हो। अब देखो उसमें ये लिखा हुआ था, उसके ऊपर यूं यूं हाथ था, फिर मिलेंगे, आपको हम पूछते हैं, आप हमारे से आकर के फिर से मिलेंगे, आओ हो
बच्चों को भी, अपने साथी संगातियों को भी, परिवार के लोगों को भी बार बार इसको सुनाना। हो ठीक ठीक बहुत अच्छा। ऐसे मिलते हैं जो एकदम हमें भीतर तक ले जाते हैं, जो हमारे बहिर् जगत में मानसिकता, मन की वृत्ति बनी रहती है। इन वृत्तियों में भी हमारे लिए कुछ ऐसे भी प्रसंग मिल जाते हैं जिससे हमें बोध मिलता है, जागृति मिलती है, और इसके बाद एक और मिलता है। वहाँ पर एक खम्भा गड़ा हुआ था, उसके ऊपर एक पट्टिका लगी थी और उसके ऊपर लिखा हुआ एक वाक्य या पंक्ति थी। कभी जाने की, कभी नहीं जाने की अपेक्षा देर भला है, यानी दुर्घटना से देर वाला। लेकिन उन्होंने कहा कि अब आना ही नहीं, कभी आना ही नहीं, उस अपेक्षा से देर भले लग जाए। इसमें क्या कहा जा रहा, इसमें जिंदगी का धुंधी की आवाज़ आ रही है। तुम जल्दी मत चलाओ, जाना गति मत दो, और इस प्रकार उतावले करना ठीक नहीं, क्योंकि वो आकर के टकरा जाएगा, दोनों का जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए संयम रखो और भाव रखो कि हमें जल्दी जाना तो है, लेकिन कभी कभी जल्दी में जल्दबाजी हो जाती है, तो जिंदगी की बाजी हो जाती आ जाती। इस प्रकार आप लोगों को कोई भी सोचो, कोई भी चर्चा करो, उनमें सारभूत तत्व को देख करके अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। अहिंसा परमो धर्म की। ये वृक्ष भी सब प्रसन्न है, हमारा यह सार्थक जीवन है, क्योंकि ये सारे सारे राहगीर या छाया देख करके इस आंगन को कोई बुलाने से नहीं आएगा, किंतु बिना पूछे यहाँ पर सब लोग बैठे हैं। हम लौकिक बात गौण करें, इतिहास के कुछ पन्ने हम पलटाएं, यह काल घूमता है हमेशा, यह परिवर्तन होते रहते हैं। छाव के बाद धूप आना और धूप के बाद छाव आना, ये अनिवार्य है। दिन होता है, रात होती है, दुख के कुछ प्रसंग थक जाते हैं, सुख के कुछ तरंग आते आते पुनः लौट जाते हैं। सुख स्थाई नहीं, दुख भी स्थाई नहीं। बच्चा रोता है, उसके आंखों में से पानी आता है, और वो गालों के ऊपर
स्थिर हो जाते हैं बूंदे, उसी बीच में उसको कुछ अच्छा सुंदर दृश्य दिखा तो वो भूल जाता है। ऐसा है ना? ऐसा ही जब सुख की घड़ियां थी, राम की शादी हुई और सीता घर आई, ये सब कुछ ठीक है, सुख की घड़ियां सब की निकल रही है, लेकिन जब पलटता है तो किसी को भी वो पसंद नहीं आता, लेकिन उस काल को पसंद आता है, क्योंकि न्यायालय में न्याय तो होगा, किसी एक व्यक्ति को देख करके नहीं होगा, उसके पुराने इतिहास के ऊपर आधार रहता है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे वह कोई भी हो, उसको छूट नहीं सकता, और वहाँ बिना पक्षपात के घोषणा कर देता है कि आपको इधर जाना है, किधर जाना है, जिधर वह घोषणा हो रही है, तैयार हो जाओ। राम प्रसन्नता के साथ, लक्ष्मण उनके साथ, और भी सीता भी कहते कि मैं भी साथ ही साथ ही रहूंगी, ये सब कुछ है। देखो ये सब कुछ हो जाए, लेकिन लक्ष्मण ने सोचा एक प्रबंध पहले कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा न हो जाए कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ चल जाए, अब ये ठीक नहीं होगा। हाँ, उर्मिला नाम थी, बताते हम नाम याद ही नहीं रख पाते, उसके स्थान पर पात्र नाम रख करके मैं चलाता हूँ, तो उनको बताने के लिए पहले आए थे और गए, कहा देखो राम की माँ, हाँ वहाँ पर बिल्कुल आपका कर्तव्य है, तुमको यहीं पर रहना है और ऐसे प्रसन्नता के साथ रहना है, ऐसा नहीं मनमारी करके रह जाओगे तो वो दुखी हो जाएंगे, इसलिए बहुत ही संवेदनशील घड़ी में आपको यहाँ पर हम कह रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं पहले से ही, ताकि तुम अपने मन बना लेना। अब उर्मिला को कैसा लग रहा होगा बताओ, राम और लक्ष्मण तो जाना चाहते हैं, ये ठीक है, लेकिन लक्ष्मण को तो जाने के लिए कहा नहीं गया, और लक्ष्मण को ये नहीं कहेंगे, मुझे इनको कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं, लेकिन ये ऐसे क्यों घुमा रहे हैं। लक्ष्मण कहता है मेरे बिना भैया को कोई भी यहाँ पर देखने वाला नहीं है, इसलिए मैं उन सीता को भी और राम को भी सुरक्षित रखने का मेरा कर्तव्य है, और इसलिए ये आवश्यक है। वह जो उर्मिला कहती है कि बिल्कुल ठीक है, आप जा सकते हो, हमारी तरफ से कोई चिंता नहीं करो, जंगल में रहना क्या कोई पसंद करेगा,
गांव में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। नहीं तो उसे बिल्कुल, और यहाँ के जो शेर है वो कहीं भी भागते नहीं है, यही रहते। सोचो विचार करो, सारे सारे लोग और नेता लोग भी कहते हैं हम इसको ये बना देंगे, इसको ये बना देंगे, हम इसको ये बना देंगे। गांव वाले कहते हैं हाँ हम, आप देखते रहियो स्वर्ग भी यहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। यहाँ का यदि खेती के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से जो खाने पीने के इत्यादि चीज़ें शहर के ऊपर नहीं पहुँचाए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? अब बताओ, धीरे धीरे अब संख्या गांवों को बढ़ाने के लिए योजना बन रही है। पहले तो निकाल दिया और अब बुला रहे। वो कहते हैं हम खाली हो गए, अब आप बुला रहे हो। हाँ, या वहाँ पर बोतल का पानी पीना पड़ता है। लोग कहते हैं बोतल में क्या पानी है, क्या दूसरा और कोई है? स्थिति ऐसी है, हवा तक नहीं मिल रही वहाँ पर। एक शीशी ऑक्सीजन के भी है, प्राणवायु के भी है, क्या मामला? आज ईंधन समाप्त हो गया। कौन से ईंधन समाप्त हुए? हर प्रकार के ईंधन समाप्त हो गया। प्रदूषण चारों ओर फैल गया। गांवों में कभी प्रदूषण आ सक न फैला और न फैलेगा। प्रदूषण वाले यहाँ से चले गए, उसके परिणाम है अब इन लोगों को यहाँ की हवा अच्छी लग रही है। इसलिए ये पेड़ वगैरह सोच रहे हैं, ये कौन है पेड़ मालूम है? बहुत अच्छे हैं ये पेड़। एक प्रकार से एकेंद्रीय होकर के भी पंचेंद्रियों तक के लिए, हाँ कौन सी प्राण वायु, दिन में ही नहीं रात में भी और दिन में भी 300 घंटा यहाँ पर प्राणवायु को प्रदान करते हैं। और आप लोग एक प्रकार से उस सेवन के भी पवन को दूर करते रहते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, काम ना करके छोड़ देते हैं, किंतु वो केवल आपके लिए प्राणवायु ही प्रदान करते हैं। यदि उसका अभाव हो गया, उसमें कमी हो गई, तो महामारी याद आ जाती है।